हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है, तो हम बात करेंगे इस हार्मोन के इम्पोर्टेंट रोल के बारे में, और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को ओवरकम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मेल्स में प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है, साथ ही यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी है। मतलब यह कि जो बॉडी की स्टेमिना को इम्प्रूव करे और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक मेजर फंक्शन यह है कि शरीर में यह प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। इसके अलावा यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मसल बिल्डिंग, वॉइस चेंज, इसमें भी टेस्टोस्टेरोन का मेजर रोल होता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बॉडी में अहम रोल है, उसके बॉडी डेवलपमेंट में, उसके सेक्सुअल फंक्शनिंग में, उसके हेल्थ बिल्डिंग के लिए भी। फीमेल्स में भी कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में इस हार्मोन की प्रेजेंस होती है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन अगर फीमेल्स में इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि शरीर में मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ का हो जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, फिजिकल स्टैचर का मेल पैटर्न ग्रोथ इत्यादि। अब अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्फीयर ऑफ एक्शन की, यानी शरीर में इसका क्या रोल है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी है, तो मेटाबॉलिज्म में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। यह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। जनरली सेकेंडरी सेक्सुअल फंक्शंस या कैरेक्टर्स 13 से 14 साल के बाद ही डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में प्यूबर्टी कहते हैं। इसी एज में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, शरीर में मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटल्स की ग्रोथ होना, बॉडी मास का बढ़ जाना जिससे बॉडी थोड़ी मस्कुलर होने लगती है। चलिए अब बात करते हैं अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो इस हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मदर टिंचर्स की। तो सबसे पहले है अश्वगंधा मदर टिंचर, इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं योहिबिनम मदर टिंचर। इन दोनों ही मदर टिंचर्स का बहुत ही अच्छा रोल है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में। इन दोनों ही मदर टिंचर्स की 8 से 10 बूंदें आधे गिलास पानी में दिन में 3 बार लें तो आपको विदिन 2 to 3 months काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो या अन्य जितनी भी मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी के लिए यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी आपको 6x पोटेंसी की 4 tablets दिन में 2 बार लेनी होती हैं, और इसके साथ ही आपको टेस्टिस सिकाटी 3x मेडिसिन की 2-2 tablets दिन में 3 बार यूज़ करनी होती हैं। तो दोस्तों, इन सारी ही दवाइयों को आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के सुपरविज़न में ही यूज़ करें, और दवाइयों के साथ साथ आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का भी विशेष ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।